हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ वर्ल्ड किचन रिवॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमारे चैनल वर्ल्ड किचन रिवॉल्यूशन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन पर क्लिक कीजिए और लाइक, कमेंट और शेयर तो ज़रूर कीजिए। आज हम बनाने वाले हैं पनीर रोल। देख लेते हैं उसको हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने डो को बना लिया है। इसके लिए हमने 2 कप मैदे में 1/2 कप पानी, 1 टेबल स्पून वाइट ऑयल और 1/2 टीस्पून के करीब नमक डाल के इसको अच्छे से गूंद लिया है। देखिए डो बहुत अच्छे से गूंद गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका पराठा बनाएंगे। तो हम थोड़ा सा सूखा आटा छिड़केंगे इसके ऊपर। अब लोई को हम इसके ऊपर ऐसे चपटा करेंगे और इसको बेल लेंगे हम। पराठे को हमने तवे पे रख दिया है। अब ये एक तरफ से थोड़ा सा सीख जाएगा। देखिए फूलने लग गया है थोड़ा सा। तब हम इसको पलट देंगे और थोड़ा सा तेल डाल के इसको हम तैयार कर लेंगे। देखिए सीख गया है, इसको हमने पलट दिया है। तो चारों तरफ से हम थोड़ा सा तेल डालेंगे इसमें और इसको हम सेक लेंगे अच्छे से। तो हमारे सारे पराठे सीख के तैयार हो गए हैं। अब हम स्टफिंग की तैयारी करेंगे। तो देखिए हमने पैन में थोड़ा सा तेल गरम कर लिया है। अब हम इसमें थोड़े से वेजिटेबल्स फ्राई करेंगे। तो सबसे पहले हम डालेंगे थोड़ा सा कैरेट, जिनको हमने लंबा लंबा करके काट लिया है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से पत्ता गोभी, इनको हम थोड़ा सा टॉस करेंगे बस। मुट्ठी भर हमने स्वीट कॉर्न डाला है इसमें, ये बहुत हेल्दी बनता है दोस्तों। अब हम इसमें 1 टीस्पून के करीब नमक डालेंगे। आप अपने स्वाद के अनुसार डालिए। इससे आप बच्चों को टिफिन में बना के दे सकते हैं, लंच बॉक्स में पैक कर सकते हैं। ये बहुत हेल्दी है और बहुत आसान है इसको बनाना, और वेजिटेरियन डिश भी है। तो जो नॉनवेज खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते, उनके लिए ये बहुत टेस्टी है। अब हम इसमें थोड़ा सा स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो हमने इसमें 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाला है। मसालों को हमने मिक्स भी कर लिया है। आप अपने हिसाब से कोई भी वेजिटेबल इसमें डाल सकते हैं, ये बहुत हेल्दी बन जाएगा। फिर वेजिटेबल्स हमारे पक गए हैं, तो इसमें हमने पनीर को डाल दिया है। इसको डालने के बाद हम इसको ज़्यादा कुक नहीं करेंगे, बस मसाले इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए और वेजिटेबल्स को हम अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। हमारी स्टफिंग करीब तैयार है। तो इसमें हम 1 टीस्पून के करीब नींबू का रस डालेंगे, इससे स्वाद और बढ़ जाएगा। और उसके बाद हम फिर से एक बार इसको अच्छे से स्टर कर लेंगे। और आखिर में हमने इसमें 1/2 टीस्पून चीनी भी डाला है। रोल के लिए हम थोड़ा सा सॉस तैयार करेंगे। तो इसके लिए हमने क्या किया है, थोड़ा सा दही लिया है, उसमें 1/4 टीस्पून हमने लाल मिर्च पाउडर और 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर और 1/4 टीस्पून हमने इसमें नमक मिलाया है, और मिला के हम एक सॉस बना लेंगे। तो रोल को हम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो हम पहले पराठे के ऊपर स्टफिंग रखेंगे, ये बहुत हेल्दी है, ये लो फैट एक डिश भी है। तो जो डाइट कर रहे हैं वो इसे आसानी से खा सकते हैं। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा खीरा हमने स्लाइस करके रखा था, लंबे लंबे पीसेस में काट के उनको डाल देंगे। थोड़ा सा जो हमने सावर सॉस बनाया था उसको डाल देंगे इसके ऊपर से। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये दिखने में, और ये बहुत ही अच्छा बना है। अब हम इसको रोल कर देंगे। तो हमारे सारे रोल्स बनके तैयार हैं। देखिए कितना खूबसूरत बना है। इसे बनाएं, हमसे शेयर करें ये आपको कैसा लगा। हमारे चैनल वर्ल्ड किचन रिवॉल्यूशन को सब्सक्राइब करें, बेल बटन पर क्लिक करें और लाइक, कमेंट और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए बाय, स्टे हेल्दी।